नमस्कार मेरे प्यारे साथियों साथियों, मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपसे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो आपकी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, कब्ज़। ये बहुत ही ख़राब है। इससे क्या है कि तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। कब्ज़ जो है ना, कॉन्स्टिपेशन, वो कई बीमारियों की जड़ है, शारीरिक बीमारियां भी और मानसिक भी। इसलिए कब्ज का ना होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब क्या होता है, कई लोग कहेंगे भाई मैं तो जाता हूँ टॉयलेट, एक बार जाता हूँ सुबह या दो बार जाता हूँ, तो मुझे तो कब्ज नहीं है। नहीं, क्या होता है कि क्योंकि आजकल देखिए ना, खान पान भी ऐसा है, रहन सहन ऐसा है, जल्द जल्दी जल्दी सब काम होता है। खाने में भी रिफाइंड फूड है, आप बाहर से कभी पिज़्ज़ा खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, ठीक है। तो ये हो सकता है और होता है ज़रूरी, मतलब बहुत केसेस में, कि मल पूरी तरह से शरीर से निकलता नहीं, अंतड़ियों में रह जाता है, वो ख़राब करता है, उससे बीमारियाँ होती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए। कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पियोगे तो जो मल है अंतड़ियों में, उसकी मूवमेंट नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही टिका रह जाएगा। पानी ज़्यादा पीजिए और दिन की शुरुआत जो है ना, चाय से मत कीजिए। चाय की आदत है बहुत लोगों को, पानी से शुरुआत कीजिए। सुबह उठ करके मौसम के हिसाब से पानी हल्का गुनगुना, या शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो तो उसको, पानी फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी नहीं, वो तो आप अवॉइड करो, जितना कर सकते हो अवॉइड कीजिए। एक या दो गिलास खाली पेट सुबह पानी पीजिए, फिर थोड़ा सा टहल लीजिए, फिर एक समय रखिए। जैसे आप मान लीजिए आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, जो भी आपका उठने का समय है, उठ करके ये एक दो गिलास पानी पीजिए और थोड़ा सा टहल लीजिए, फिर जाकर के टॉयलेट में बैठिए, कुदरत को थोड़ा समय दीजिए। नहीं तो कई लोग जल्दबाजी में फटाफट फटाफट ये काम कर रहे हैं, समय ही नहीं है जाके टॉयलेट में बैठें, कुदरत को थोड़ा सा, कुदरत की इज्जत करोगे ना, जाके बैठोगे, समय दोगे तो कुदरत भी ऑब्लाइज करती है। सही है, ये बात करके देख लीजिए। उसके बाद खाना जो है वो हमेशा ऐसा खाइए जो शीघ्र पचने वाला हो। खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना, कई लोगों को आदत है, कई लोग मैंने देखा सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं साथ में। नहीं, खाने से कम आधा घंटा, पौना घंटा, या मैं तो कहूँगा 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद तक पानी मत लीजिए। हाँ, बहुत ही कोई दिक्कत हो रही है, कहीं गले में फंस गया कुछ है, एक आध घूंट ले लिया, वो तो अलग बात है, कभी कभार जरूरत हो तो। अदरवाइज खाने के साथ पानी पियेंगे तो हमारे जो पाचन क्रिया में जो सहायक हैं, जो अंदर जो केमिकल निकलते हैं, एसिड निकलता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो खाना फिर पचेगा नहीं। दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए आप खाने को जब अच्छी तरह चबाएंगे ना, तो मुंह में सलाइवा होता है, ये तो आप जानते हो, थूक अंदर सलाइवा, वो खाने को ऐसा कर देता है, उसमें सलाइवा मिल कर खाने में, जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना सलाइवा मिलेगा, वो फिर जल्दी पच जाता है। जो काम आपका मुंह कर सकता है चबाने का, वो पेट नहीं कर सकता, तो फटाफट निगलेंगे खाने को तो पेट में जा करके वो अच्छी तरह से पचेगा नहीं। तो ये भी जरूरी है, अच्छी तरह चबा के खाइए। उसके बाद जो है, आप खाने में जो भी आपका खाना है उसमें देखिए कि रिफाइंड फूड ना हो, तो मैंने बताया पिज़्ज़ा वगैरह, ठीक है कभी कभार आप लेते हो तो ठीक है, नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन इन चीज़ों से क्या होता है कि आपके अंदर ना शरीर में फाइबर नहीं जाएगा, रफेज नहीं होगा, तब भी मल को निकालने में दिक्कत आती है, अंतड़ी में फंस जाता है। खाने में फाइबर होना ज़रूरी है। फाइबर यानी कि जैसे ना आपका मैदा है, उसमें फाइबर नहीं है लेकिन होल व्हीट में है, तो इस तरह देख लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए किन किन चीज़ों में फाइबर है, वो ज़रूरी है। रफेज होगा तभी मल अपने समय पे निष्कासित होगा शरीर से। पानी खूब पीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
अगर आपको कब्जी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है या कम भी है, उससे क्या होता है, व्यक्ति जल्दी थक जाता है, थकावट हो जाती है, उत्साह की कमी रहती है, उत्साह कम हो जाता है, एनर्जी ऐसे लगता है खाया पिया लेकिन एनर्जी नहीं है, पड़ा है व्यक्ति, वो भी हो सकता है, उसमें कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन कब्ज के कारण भी ये समस्याएं होती हैं। कई तरह की बीमारियां होती हैं इससे, और इसमें खाली शारीरिक बीमारियां ही नहीं, मानसिक तौर पे भी चिंता होना, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाना, उदासीन रहना, ये भी कब्ज के कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक पथ पे अगर आप चले हो ना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तब भी कब्ज का ना होना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए क्या होता है, अगर आप ध्यान में, मेडिटेशन में बैठना चाहते हो तो मन शांत होना बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते हो ना। कब्ज होगी अगर, अगर बहुत गंभीर समस्या कई बार हो जाती है, उससे भी मन शांत नहीं रहता और आप ध्यान में, मेडिटेशन में डीप नहीं जा पाओगे, ये भी जरूरी है। कब्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। इसके अलावा शायद आप ये जानते होंगे कि जब हम सोते हैं रात को गहरी नींद में, तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो अंदर है, हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर दो सूक्ष्म शरीर हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, वो शरीर से बाहर निकलता है और इधर उधर जाता है, भौतिक संसार में भी और एस्ट्रल प्लेन पे भी जा सकता है, वहाँ से तरह तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन क्योंकि अक्सर लोग मानते नहीं इसको, तो सुबह फिर जो ड्रीम्स हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, ड्रीम्स अलग चीज़ है और सूक्ष्म शरीर के जो बाहर जो सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसको एस्ट्रल ट्रेवलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, वो अलग चीज़ है। तो एस्ट्रल ट्रेवलिंग कॉन्शियसली, ये तो नींद में तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, लेकिन सुबह उठ के आपको याद नहीं रहता, ठीक है, वो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है ड्रीम से, वो भी मैंने एक वीडियो में समझाया है। तो आप अगर कॉन्शियसली चेतन अवस्था में एस्ट्रल ट्रेवलिंग करना चाहते हो, बहुत लोग करना चाहते हैं, उससे बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लोबसांग रामपा जी ने भी लिखा है कि कब्ज नहीं होनी चाहिए, कब्ज होगी तो आप कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रेवलिंग नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी, वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो शरीर छोड़ नहीं पाता, फिर जल्दी से शरीर के अंदर जो कचरा है उसमें दबा रहता है एक किस्म से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कब्ज भाई बहुत बुरी चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए, इस ओर ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने चाहा कि ये मैं बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, मैं आज इस वीडियो में जिक्र करता हूँ आपसे। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका इलाज, इलाज तो देखिए, एक तो पहले बताया कि पानी, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी नहीं पियेंगे तरह तरह की समस्याएं हैं। उसमें एक मैं चीज़ बताना शायद भूल गया हूँ कि स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कब्ज ना हो। अगर कब्ज होगी ना तो स्किन भी जो आपकी है उसमें चमक नहीं रहती और पिंपल्स हो जाते हैं, देखा ना, पिंपल्स हो जाते हैं क्योंकि अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो निकलते नहीं, पिंपल्स हो जाते हैं। और भी कारण हो सकता है, ब्लड की खराबी और भी हो सकता है, लेकिन कब्ज एक बड़ा ही उसमें मुख्य कारण है। इसलिए भाई कब्ज तो बहुत बुरी चीज़ है, कई बीमारियों की जड़ है। इधर ध्यान दीजिए, खान पान में ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, कई चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं। अब लोबसांग रामपा जी ने जिक्र किया है, और वैसे मैं तो खैर काफ़ी समय से इस बात से मतलब जानता हूँ और अपने एक्सपीरियंस भी है कि एनीमा, आपने नाम सुना होगा, एनीमा जो है वो बहुत ही लाभदायक है अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है। नहीं भी है तो जैसे मैंने कहा कि आप भाई टॉयलेट जाते हो फिर भी अंदर मल हो सकता है, पूरी तरह से नहीं निकल रहा, तो कम से कम हफ्ते में एक बार ही सही एनीमा ले लीजिए। एनीमा कैसे लेना है इसके तो वीडियोस भी हैं, लोबसांग रामपा जी ने भी लिखा है, और इसमें जो किताब है सेफ्रन रोग, उसके 180 पेज पे, और बियॉन्ड द 10th में उन्होंने लिखा है इस बारे में भी।
तो आप उसके लिए क्या कीजिए, देखिए बहुत पहले की बात है कि ये बहुत ही लोगों में पॉपुलर था एनिमल लेना, खास करके यूरोप के देशों में भी बहुत लोग एनिमल लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर एनिमा लेंगे यानी कि कब्ज नहीं होगी, जिसमें एनिमा बड़ा महत्वपूर्ण है, वो कब्ज को बिल्कुल दूर करता है, आंतड़ियों को साफ कर देता है, तो वो उससे क्या है कि आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है। तो लोग जानते थे, पहले करते थे, अब ये रिवाज नहीं रहा, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, लेकिन ये एनिमा आपको बहुत ही लाभदायक होगा। उसके लिए एक किट मिल जाती है, मैंने ये किट ली है फ्लिपकार्ट से, वैसे ऑनलाइन आप आपको कई जगह से मिल जाएगी, अमेजोन पे भी होगी, ये नौलखा क्यूरोमेड करके है, आप देख लीजिए, और भी हैं कई, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ये कोई इन्होंने मतलब स्पॉन्सर नहीं किया, ये तो मैं, क्योंकि ये किट मैंने मंगाई अपने देख करके, मेरे पास अभी पुरानी जो थी इसकी एनिमा की वो खराब हो गई, तो मैंने नई मंगाई अभी, तो ये क्योंकि बड़ी बहुत बढ़िया किट है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो और भी कई तरह के आप कोई भी ले सकते हो, आपके जो लोकल केमिस्ट के पास भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ये किट मैंने देखा बहुत बढ़िया है, अच्छे प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इसमें ये अगर आप लोगे तो इसके साथ क्या क्या है, एक तो ये आपको मिलेगा कंटेनर जिसमें कि पानी डालना है, ये आगे नोजल है, पानी डालना है इसमें, तो पानी काफी 1500 मिलीलीटर की है, आपको तो नॉर्मल 300 या 500 मिलीलीटर लेना है एनिमा। इसके साथ फिर ये ट्यूब है और उसका एक एंड तो लग जाएगा इसमें, इसमें पानी भर के इसको ऊंची जगह पे रखना है, टॉयलेट में या कहीं भी, या दीवार पे टांगने का भी इसमें है प्रोविजन, और दूसरी साइड पे जो ट्यूब है उसके दूसरी साइड पे दो साथ में ये नोजल मिली है, एक बड़ी है मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ, एक ये है एक ये छोटी है, तो इस नोजल को इस ट्यूब के दूसरी साइड पे यहाँ लग जाएगी, और फिर इसके साथ इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे लेना है, ये आपको जो है ऊंचा रख के, और वो जो नोजल है आपको अपनी गुदा में यानी कि एनस में इंसर्ट करना है करीब 1-2 इंच, तो उसको लुब्रिकेट कर लीजिए, वो जरा ज़्यादा सेफ रहता है ऑयल से, सरसों का तेल है या उससे, और उसके बाद नीचे लेट करके लेना है, कैसे लेना है ये विधि मैं नहीं इसमें वीडियो में बता रहा, वीडियोस हैं देख लीजिए, लोबसांग रामपा जी ने तो लिखा है कि जमीन पे रग बिछा के बाई करवट लेट जाइए, और फिर थोड़े अपने घुटने ऊपर की तरफ कीजिए, और ये फिर उस पोजीशन में ये लीजिए, तो ये वीडियोस हैं आप देख सकते हो कैसे लेना है, इसके साथ भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डिब्बे के ऊपर भी हैं, इसमें एक लीफलेट भी है उस पर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। इसमें पानी डाल करके, पानी जो है अगर आप लें तो आपके शरीर के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब लोबसांग रामपा जी ने लिखा है कि अगर आपको कब्ज की पुरानी समस्या है यानी कि गंभीर समस्या है, ज्यादा समस्या है, फिर आप इसमें पानी में दो तरह की टिंक्चर्स आती हैं, ये अवेलेबल है अमेजोन पे, तो मैं जानता हूँ अवेलेबल है और जगह भी होंगी, टिंक्चर्स हैं, एक तो है टिंक्चर ऑफ मर, MYRR, और एक है टिंक्चर ऑफ एशिनेशा, तो उसमें लोबसांग रामपा जी ने ये पुस्तक में लिखा है, जो मैंने दो पुस्तकें बताई उसमें, कि अगर गंभीर समस्या है तो आप 500 मिल पानी ले लीजिए, उसमें टिंचर ऑफ मिर, टिंचर ऑफ मर उसका है प्रोनाउंसिएशन, ये देख लीजिए मैंने लिखा है, नोट कर लीजिए, टिंचर ऑफ मर MYRR, और दूसरी है टिंचर ऑफ एशिनेशा ECHINACEA, तो उसमें आपने करीब 500 मिल पानी में आपने टिंचर ऑफ मर जो है वो आधा आउंस, यानी कि आधा आउंस होता है 15 मिलीलीटर, वो डालनी है, और टिंचर ऑफ एशिनेशा जो है वो 15 बूंद, शीशी में आती है उसमें बूंद गिर जाती है, वो आप उसमें डाल के पानी में उससे लीजिए, और ये एक बार ले लीजिए, फिर जैसे लोबसांग रामपा जी ने लिखा है, फिर थोड़ी देर बाद आप दोबारा लीजिए, अब पानी के अंदर आपने खाली टिंचर ऑफ एशिनेशा डालना है,
मर नहीं डालना, दूसरी बार जब लेंगे 15 ड्रॉप उसके, उसे ले लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपकी पुरानी समस्या है तो इससे क्या होगा कि वो जो अंदर मल फंसा है वो ज़्यादा निकलेगा और अंदर क्योर भी हो जाएगा, हीलिंग पावर है इसमें, यानी कि अंदर कोई पस वगैरह है तो वो भी निकलेगी और हील हो जाएगा आपका जो इंटेस्टाइन है। और अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर ये टिंचर्स की जरूरत नहीं है, फिर तो आप खाली पानी से लीजिए। तो ये बहुत ही लाभदायक है, हफ्ते में एक बार ले लीजिए, ज़्यादा समस्या है तो लगातार ले लीजिए, हफ्ता ले लीजिए, 2 हफ्ता लगातार ले लीजिए, फिर जब ज़रूरत पड़े तब लीजिए। और वैसे नॉर्मली आप हफ्ते में एक बार भी ले लेंगे ना, तो उससे बिल्कुल आपका जो मल है जो अंदर फंसा हुआ है वो निकल जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। और फिर जो भी मेरे साथी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, ये हर जगह आपको नहीं पता चलेगा, ये तो लोकसंग रामपा जी भाई ग्रेट सेंट थे, उनको बहुत कुछ नॉलेज थी उनको। तो जो लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग का प्रयत्न कर रहे हैं कि कॉन्शियसली चेतन अवस्था में, नींद में भी हो तो उस टाइम वो चेतन रहें, जैसे मुझे कई बार होता है ये एक्सपीरियंस, तो चेतन रहें उस समय, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति होती है उससे। उसके लिए ज़रूरी है कि कब्ज की शिकायत ना हो, देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। तो मेरे साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी, और कोई आपका प्रश्न है जो मैं आंसर कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, कमेंट्स दीजिए। और इसके अलावा ये जो लोकसंग रामपाल जी की 2 किताबें हैं, उनमें भी बातें तो मुख्य यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा और आपकी सेहत भौतिक और मानसिक बढ़िया रहेगी, जिससे आपकी भौतिक जगत में तो उन्नति होगी होगी, सफलता मिलेगी, विद्यार्थी हो पढ़ाई में ज़्यादा हो मन लगेगा। और क्या होता है अक्सर बुढ़ापे में ना, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेमोरी लॉस हो जाना, तरह तरह की समस्या हो जाना, उदासीन हो जाना, ये भी तो रहती हैं समस्याएं। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आपके दिमाग की सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, और दिमाग के लिए क्या क्या करना है। लेकिन कब्जी, वहाँ भी इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, कब्जी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।